આરબ સાગરમાં સર્જાયેલા સાયક્લોન સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમના કારણે વાવાઝોડે વરસાદની આગાહી કરી છે. કચ્છમાં છેલ્લા 3 દિવસમાં ભારે પવન સાથે ધૂળની ડમરી ઉડતા વંટોળનું સામ્રાજ્ય છવાઈ ગયું છે, ત્યારે કચ્છના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યું છે. આ વચ્ચે હવે વરસાદની આગાહી ભુજના હવામાન કચેરીના રાકેશ કુમાર દ્વારા જણાવાયું છે. કચ્છમાં હજી પણ 2-3 દિવસ વેગીલો પવન ફૂંકાઈ શકે છે, ઉપરાંત હળવાશથી મધ્યમ વરસાદ થવાની પણ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. નોર્થ ઇસ્ટ રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સિસ્ટમ બની છે, જેથી તકિયા ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો. 1 જૂનથી કેરળમાં ચોમાસું બેસવાની શક્યતા છે, જેથી કચ્છમાં 15-20 દિવસ બાદ વરસાદ પડી શકે તેવી શક્યતાઓ હાલની સ્થિતિ જોવામાં આવી રહી છે. કચ્છમાં સરેરાશ 48-49 ડિગ્રી આસપાસ ગરમી રહેવા પામી છે, જેથી ગરમીનો પારો પણ આસમાન અને તેનો સામનો પણ લોકો કરી રહ્યા છે. આસમાને પહોંચ્યું છે ત્યારે તેનો સામનો લોકો પણ કરી રહ્યા છે. આમાં વાવાઝોડાની આગાહી વચ્ચે કચ્છના વાતાવરણમાં ભારે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, જે 2-3 દિવસ સુધી કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે તેવી સંભાવના પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હા તો સર, આપણે કચ્છમાં ગરમી કી ક્યા સ્થિતિ હૈ? देखिए, जहाँ तक गर्मी की बात है, जो कच्छ का जो अभी जो हमारे यहाँ भुज की जहाँ तक बात है, तो तापमान जो है वो नॉर्मल के आसपास ही चल रहा है. हालांकि कुछ प्लेसेस में जो है, आइसोलेटेड प्लेसेस में जो है, हीट वेव की कंडीशन अभी बनी रहेगी कहीं कहीं होने की. और जैसे कि हवाओं का, तेज़ हवाओं का दौर है, अभी 2-3 दिन ये जारी रहेगा. इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार रहते हैं. जैसे एक तो प्री मानसून सीजन में हवा तेज़ रहती ही है, आंधी वगैरह जो चलती है, क्योंकि मॉइस्चर होता नहीं है, तो इसलिए डस्ट भी काफ़ी उड़ती है. और साथ ही अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और उसके आसपास बना हुआ है. हालांकि इसकी हाइट कम है, 0.9 किलोमीटर ही हाइट है उसकी समुद्र तल से यदि बात करें तो. इसलिए हवा की रफ्तार जो अभी 2-3 दिन तो बनी रहेगी, जैसे मैंने बताया आपको. और जहाँ तक तापमान की बात है, तो तापमान जो है 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम इतना बना रहेगा. और अधिकतम तापमान की जहाँ तक बात है, वो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहेगा. और साथ ही इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि एक वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी पे एक लो प्रेशर सिस्टम अभी बना हुआ है, जो कि अभी आने वाले 2-3 दिनों में जो है उसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना बनी हुई है. बट उससे इधर कोई वेस्ट कोस्ट या और के जो भारतीय क्षेत्र है उधर कोई फर्क पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके जो है डिप्रेशन बनने के बाद वो आगे यमन और ओमान कोस्ट की तरफ वो आगे बढ़ेगा. हालांकि एक और लो प्रेशर सिस्टम बनने की भी संभावना है, जो कि साउथ ईस्ट अरेबियन सी के आसपास जो है बनने की संभावना है 31 मई से. और वो 3-4-5 दिनों तक उसका इफेक्ट रहेगा और धीरे धीरे वो वेस्ट कोस्ट से ऊपर की तरफ बढ़ेगा एज ए लो प्रेशर के रूप में. तो जिसके कारण से जो मानसून की जो तिथि है, जो हमने जैसे केरला में पहले 5 जून के करीब बताया था, परंतु जो ये जो अभी संभावना बन गई है लो प्रेशर होने की, तो इसकी वजह से जो है मानसून 1 जून के आसपास ही केरला में आने की संभावना बढ़ गई है. और मानसून की और दूसरी जो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए उसके आगे बढ़ने के लिए, वो भी फुलफिल हो रही हैं. इसलिए उम्मीद है कि 1 जून के आसपास ही केरला में मानसून दस्तक दे सकता है और उसके 15-20 दिन के बाद यहाँ कच्छ में भी उसकी दस्तक देने की संभावना है. हालांकि जो मैंने लो प्रेशर की बात बताई साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो पश्चिमी तटों पर ये बारिश करेगा, कई क्षेत्र में इसकी वजह से बारिश भी मिलेगी. और जहाँ तक यदि इसकी बात करें कच्छ की, सौराष्ट्र की और साउथ गुजरात की और नॉर्थ गुजरात की, तो साउथ गुजरात और नॉर्थ और ये सौराष्ट्र के दक्षिणी तट है, वहाँ पर इसकी वजह से अच्छी बारिश होने की भी संभावना बनी रहेगी, जो कि 3-4 दिन के आसपास रहेगी. और साथ ही इसके नॉर्थ गुजरात में भी बारिश होने की संभावना रहेगी, परंतु कच्छ में भी इसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना 2-3 दिन रहेगी. और साथ ही इसके बाद जो है